हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपका एग्जाम 6 दिसंबर 2022 के दिन आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे बेसिकली जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर सीरीज में आपके सेट नंबर 19 है। मैं आपके साथ ऑलरेडी सेट नंबर 1-18 में डिस्कस कर चुका हूं। यकीन मानिए, जब आप इन पूरे 18 सेट को देखेंगे तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की आएगी कि क्वेश्चंस के सोर्सेज कहां होते हैं, किस सोर्स से आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो आपके जो भी क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इन सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर इस वीडियो को जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं लाइक करके या फिर डिसलाइक करके, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो आपको बिल्कुल पसंद ना आए तो डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बोल सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला आपको बताना था वॉशिंग सोडा। तीन प्रकार के सोडा बेसिकली जो है जनरली आपके एग्जाम से पूछा जाता है, एक वॉशिंग सोडा और एक आपका जो है बेकिंग सोडा और एक आपका जो है कॉस्टिक सोडा। तो इन तीनों का कंफ्यूजन मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ काफी तीनों ही सोडा के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस भी करूंगा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 आपका जो है इंटू 10S2O होता है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10S2O होता है। क्लियर? और ये Na2SO4 क्या होता है, Na2SO4 बेसिकली आपका जो है वो सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है, ये सोडियम सल्फेट होता है। और ये सोडियम सल्फेट ये आपका तो बेस है ही नहीं, ये आपका बेस नहीं है, ये आपका जो है बेसिकली आपका ये सॉल्ट हो गया। क्लियर? और ये NaOH ये क्या है, आपका बेस है, क्योंकि बेस को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्साइल आयन बोल सकते हो इसे, आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका NaOH होता है। और जब हम किसी भी बेस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसे जब ये बेस आपका डिजोल्व हो जाता है तो इस टाइप के बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये भी आपका जो बेस का एक अल्टरनेटिव नेम होता है एल्कली। लेकिन आप सारे बेस के लिए बेसिकली आप वर्ड यूज नहीं कर सकते एल्कली, ऐसे बेस जो आपके वाटर में डिजोल्व होंगे उसके लिए आप बेसिकली यूज करते हो एल्कली टर्म। क्लियर? और ये आपका जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका जो NaOH को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्लियर? ये आपका जो है कॉस्टिक सोडा होता है। क्लियर? और ये वॉशिंग सोडा को आप कैसे याद रखोगे, लाइफ टाइम के लिए आप जब कार को क्या करते हो, कार को जब आप वॉश करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। इट मीन्स आपका जो है ये आपका जो है वो क्या होता है, आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये आपका जो है सी यहाँ पे मेंशन है। और ये आप जब क्या करते हो कि उसको जब कार की वॉशिंग करते हो तो ये आपका कार्बोनेट से आपका कार ऐसे आपको बिल्कुल भी लंबे समय तक याद कर रखना है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। इसका कॉमन नेम भी पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का आपका कॉमन नेम आपका वॉशिंग सोडा होता है, ये भी पूछा जाता है। और ये आपके ऑप्शन में मेंशन है NaHCO3, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसका अल्टरनेटिव नेम आप बोल सकते हैं कि HCO3 बेसिकली आपका बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर? तो ये बाइकार्बोनेट हो गया, इट मींस जो है आपका Na पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट से बेसिकली आपका ये मिलकर के बना होता है, तो ये बेसिकली क्या होगा NaHCO3 आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, यही आपका क्या है कि बेकिंग सोडा है। क्लियर? आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन था ये आपको बहुत कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। इसका आंसर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। क्लियर? और ये वॉशिंग सोडा आप यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला Na2CO3 10S2O आपका जो इसका फॉर्मूला होता है एनहाइड्रेस सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हो, ये आपका Na2CO3 होता है जिसे हम कॉमनली सोडा एस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? और वॉशिंग सोडा को आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो किसके द्वारा, जो है सोडियम क्लोराइड के द्वारा। क्लियर? ये आपके तीन स्टेप्स में बेसिकली जो है आपको ये बोल सकते हो कि आपको ये देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर आपका जो है रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली आपको मैं ये पूरा ओवरऑल पहले रिएक्शन बता दूं, सोडियम क्लोराइड के साथ जब NH3 को ऐड करोगे देन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको देखने को मिलेगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका जो फर्स्ट स्टेप में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ साथ जो है आपको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ये NH4Cl क्या है, एक प्रकार का जो है ये सॉल्ट हो गया। क्लियर? तो आपके ये जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका कोल्ड जो और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली सोडियम क्लोराइड का, NaCl का को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो, इट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। और फ्रिक्वेंटली ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को किसके नाम से जानते हैं, ब्राइन के नाम से जानते हैं।
और ये आपका क्या रिएक्ट करता है किसके साथ, मान लीजिए कि आपका जो है ये NaCl है, क्लियर, ये NaCl आपका जो है वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर तो आपके पास आ गया। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया आपके साथ यहाँ पे मेंशन है अमोनिया, और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या आपको ऑप्टेन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो ऑप्टेन होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करो कहो, दोनों एक ही बात हो गई। और उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा आपका NH4Cl, क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं हीट करेंगे किसके, सबसे पहले तो उसको आप क्या करोगे कि फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको सेपरेट करोगे, देन उसको ड्राई करोगे, देन आप जब हीट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वाटर देखने को मिलेगा, क्लियर। और ये आपका जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि एनहाइड्रस मीन्स इसमें वाटर नहीं है, Na2CO3 इट मीन्स इसमें वाटर नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे एनहाइड्रस, क्योंकि इसमें अगर वाटर प्रेजेंट हो जाएगा तो बेसिकली आपका ये तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा, ये हाइड्रेट फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर जो हमें ऑप्टेन हो रहा है क्योंकि हीट यहाँ पे दे रहे हो, जब हीट दे रहे हो तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जो आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 है, ये बेसिकली जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या होगा, दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन हमें इसमें देखने को मिलता है, और ये आपका वॉशिंग सोडा जो होता है बेसिकली आपको ये ऑप्टेन होता है, और ये आपके जो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें जो देखने को मिलता है, हमें वाटर का ऑप्टेन भी होता है 10 मॉलिक्यूल्स, आप यहाँ पे देखिए, तो ये बेसिकली हमें ऑप्टेन हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्लियर। तो ये आपके हाइड्रेट फॉर्म में आपको जो है देखने को मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका प्रिपरेशन मेथड आपसे पूछा जा सकता है। और ये वॉशिंग सोडा जो है बेसिकली आपका ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करिए, ट्रांसपेरेंट आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है और एक एमॉर्फस होता है। जैसे कि आपका ये जो आपका लेड जो होता है ना, जैसे कि आपका लेड जो होता है प्लम्बम बोल सकते हैं, सीसा जो होता है बेसिकली आपका कांच जो होता है एक प्रकार का जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, रबर जो होता है बेसिकली आपका जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, लेकिन ये आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया NaCl आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, क्लियर, काफी हार्ड बोल सकते हैं कि सॉलिड होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये वॉशिंग सोडा एक बोल सकते हैं कि जो है इसका जो वॉशिंग सोडा जो होता है इसके ये आपके जो है कुछ मेटल कार्बोनेट्स जो आपके जो है वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स जो आपके क्या होते हैं कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ये जो सॉल्यूशन जो होता है वॉशिंग सोडा का वाटर में बेसिकली जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, क्या इसका नेचर होता है अल्कलाइन नेचर होता है, क्लियर। और ये अल्कलाइन नेचर होगा इट मीन्स ये बेसिक नेचर होगा, और ये जब बेसिक नेचर होगा तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो लिटमस जो होता है बेसिकली लाइकेन सॉफ्टेन होता है और ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है, तो ये आपका ब्लू क्या करेगा कि ब्लू आपका लिटमस पेपर जो है उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा एसिड जो है किसमें रेड में, तो ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना है, ब्लू टू रेड में आपका एसिड कन्वर्ट करता है, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है तो बेस कन्वर्ट करता है, तो बेस कन्वर्ट करता है इट मींस ये इसका बेसिक सॉल्यूशन इट मींस अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये क्या करेगा बेसिकली रेड लिटमस को ये जो है ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, एक्वस सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं कि जो आपका वॉशिंग सोडा, क्लियर। और ये डिटर्जेंट इसके पास प्रॉपर्टीज होती है इट मींस ये क्लीनिजिंग प्रॉपर्टीज को ये अपने पास रखता है, इट मींस ये बोल सकते हैं कि जो आपको किसी भी जो आप जैसे आपका जो कॉस्टिक सोडा जो होता है वो आपका जो है वो क्लीनिजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका जो है इसमें भी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है, क्लियर, वॉशिंग सोडा में भी, क्लियर। और इसे हम क्लीनिजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज करते हैं, और ये जो भी आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि आप जो वाटर का हार्डनेस जो होता है ना, हार्ड वाटर जो होता है उसमें झाग नहीं बनता है, तो ये जो झाग ना बनता है ना तो इसको आप किसके थ्रू रिमूव कर सकते हो, ये बेसिकली जो है जिस वाटर में आपका झाग नहीं बनता उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, और जिसमें झाग बनता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, तो ये बेसिकली जो है वो रिमूव किया जाता है, बोल सकते हैं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसके द्वारा जो है आपका जो है वॉशिंग सोडा के द्वारा जो है रिमूव किया जाता है। इसका यूज जो है ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सॉप के मैन्युफैक्चर में और पेपर के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड जैसे कि आपका बोरेक्स, और ये बोरेक्स का फॉर्मूला आपके एग्जाम्स में प्रीवियस शिफ्ट में पूछा जा चुका है, क्या होता है Na2B4O7 × 10H2O, क्लियर, Na2B4O7 × 10H2O, ये एग्जाम्स में आपके ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोरेक्स का फॉर्मूला, तो इसके प्रिपरेशन में भी बेसिकली जो है इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का,
तो इससे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस किया। आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं आप यहाँ पे देखिए। इसके लिए भी क्या किया जाता है कि रिएक्ट होता है बेसिकली जो NaCl आपका एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन आपका जो है NaCl, आप ब्राइन जिसे कहे हो NaCl और ये वाटर, तो ऑप्टेन हो गया, देन आपका अमोनिया, देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सेम प्रोसेस है, तब आपको क्या मिलेगा NaCO3, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो आपको ऑप्टेन हो रहा था, यहाँ पे भी आपको जो फर्स्ट स्टेप में क्या ऑप्टेन हो रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, तो सेम आपका वही प्रोसेस है, यहाँ पे भी आप यूज करोगे आपको ऑप्टेन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी आपको ऑप्टेन होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे आप बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको याद रखना है कि आपका ये व्हाइट क्रिस्टल्स होता है, क्लियर, और ये आपका स्पेरिंगली बोल सकते हैं कि सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये आपका नॉन कोरोसिव वेस्ट होता है, आपको बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद रखना है। और इसका नेचर कैसा होता है, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो बेसिकली आपका एल्कलाइन या फिर बेसिक की नेचर बोल सकते हो, क्लियर, ये बेसिक की नेचर होता है। ये आप जब उस पर हीट, इट मीन्स उसको जब हीट देते हो किसको, आपको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो बेसिकली क्या ऑप्टेन होता है, आपको ऑप्टेन होगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को हम किसके नाम से जानते हैं, ये आपका जो वॉशिंग सोडा होता है और ये आपका बेकिंग सोडा होता है। तो जब आपको क्या बनाना हो, आपको बनाना हो वॉशिंग सोडा, तो आप बना सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट पे जो है हीट देकर के, क्लियर, और ये आपको CO2 के साथ साथ आपको वाटर का भी फॉर्मेशन हमें आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है इसके यूज क्या होता है आपका बेकिंग सोडा का, तो एंटी एसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंटी एसिड क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ गलत सलत उल्टा सुल्टा खा लिया और आपके स्टमक में क्या होगा कि एसिडिटी इंक्रीज हो गई, एसिडिटी इंक्रीज होने के बाद से आप क्या लेते हो, बेसिकली जनरली आप इनो का यूज करते हो, तो आपके स्टमक के अंदर जो एसिड बन रहा है उसके साथ क्या होता है कि बेस रिएक्ट करता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट की रिएक्शन होती है तो आपके बॉडी के अंदर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये आपका जो आपका ये रिएक्शन जो होता है ना, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का जो फॉर्मेशन करते, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। तो आपके स्टमक की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो क्या होती है कि आपकी दूर हो जाती है, और ये बेसिकली जो मेडिसिन जो दूर करता है आपके स्टमक के जो एसिडिटी की प्रॉब्लम को, उसी को बोलते हैं एंटा एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बेसिकली जो है इसका यूज किया जाता है एज एंटा एसिड्स के रूप में, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसका यूज बोल सकते हो, और ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है SSC के एग्जाम्स में, क्लियर। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं फॉरगेट करना है, बिल्कुल आपको मेमोराइज करके रखना है, और इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में, इट मींस आग को बुझाने के रूप में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज करते हैं। और ये जो इसका बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो बेसिकली केक्स बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। आपने किचन में देखा होगा जो आप पूड़ी बनाते हो ना, पूड़ी बेसिकली जो है वो फूलने के लिए बेसिकली जो है उसमें सोडा डाला जाता है, और ये व्हाइट व्हाइट सा कलर का होता है वो आपका, वही होता है आपका बेकिंग सोडा, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये आपका माइल्ड एडिबल आपका जो है एसिड होता है, और जैसे कि आपका ये टार्ट्रिक एसिड, क्लियर, और ये बेसिकली टार्ट्रिक एसिड में इसको मिक्स भी करते हैं बेसिकली आपको जो किसको जो है बेकिंग सोडा को। तो ये कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट यूज है, और ये क्या होता है ना कि जो कार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो रिएक्ट करता है टार्ट्रिक एसिड के साथ, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है कि आपका रिलीज होता है, और ये जो केक जो होता है ना, केक या फिर बेकरी जो होता है उसमें बोल सकते हो कि जो है आपका ये थोड़ा सा फूला फूला सा आपको लगता है, मुलायम लगता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल रही होती है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और आपके एग्जाम्स में आपका जो बोल सकते हो कि जो आपका ब्रेड जो होता है वो सॉफ्ट या फिर जो है बोल सकते हो कि स्पॉन्जी जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से होता है, क्लियर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट आपका जो है वो कॉस्टिक सोडा है, इसके बारे में ही मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, और हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर जाकर के SSC के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाए, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये सारे पॉइंट्स थे, और ये सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, इसके बारे में मैं डिस्कस किया आपसे, सोडियम सल्फेट के ये आपका सॉल्ट होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कॉस्टिक सोडा, और ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया, जो भी इसके प्रॉपर्टीज था उसके बारे में मैं डिस्कस किया, और ये आपका जो कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा के बारे में, ये बेसिकली जो है इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी प्रिपरेशन जो मेथड जो होती है ना कॉस्टिक सोडा, ये आपका एक प्रोसेस होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस ये क्या होता है आप यहाँ पे देखिए,
प्रोसेस के थ्रू हम जो है बेसिकली इसको प्रिपेयर करते हैं NaOH को। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन तो आपको बिल्कुल आप रट गया होगा कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका NaCl हो गया। ब्राइन को जब इसमें आप डिजोल्व करोगे, इस पर्टिकुलर आपका जो है एक बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसमें आपके दो आपके जो है वो बोल सकते हैं कि आपको ये एक एनोड आपको देखने को मिलेगा और ये आपका जो कैथोड देखने को मिलेगा। क्लियर, दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे आप बोल सकते हो, और ये इस पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आपका जो है बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है एनोड आपका, और ये कैथोड आपका जो है ये बेसिकली आपका ये जो इलेक्ट्रोड कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से आपका अटैच होता है। क्लियर, तो जब इसमें क्या करते हो कि ब्राइन सॉल्यूशन जब आप इसमें बेसिकली जो है इस कंटेनर में जब आप रखते हो तो क्या होता है कि आपको ये क्लोरीन जो आपका NaCl जो होता है ना इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब आप फ्लो करते हो तो Na पॉजिटिव में और ये क्लोरीन नेगेटिव में, तो उसमें से क्लोरीन गैस जो होता है, आप ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्लोरीन गैस आपको जो एनोड पे ऑब्टेन होता है। ये कभी नहीं भूलना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन कहाँ ऑब्टेन होता है, एनोड पे ऑब्टेन होता है। और अगर आपसे पूछ लिया कि ये आपका हाइड्रोजन कहाँ पे ऑब्टेन होता है, हाइड्रोजन गैस भी बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमें ऑब्टेन होता है, तो आपका ये कैथोड पे होता है। तो यहाँ पे समझिए कि आपका ये जो क्लोरीन जो है ये आपका जो है हमें आपको देखने को मिला कहाँ पे, एनोड पे, और ये आपका जो है वाटर जब बेसिकली ब्रेक डाउन होता है वाटर का एच पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। क्लियर, तो ये जो आपका Na जो फ्री था, जो जैसे मान लीजिए कि NaCl आपका ब्रेक डाउन हुआ Na पॉजिटिव में और ये क्लोरीन नेगेटिव में, तो क्लोरीन गैस तो चली गई कहाँ पे, आपके जो है बेसिकली Cl2 एनोड पे चला गया, Na पॉजिटिव आपका फ्री है। तो वो क्या करता है, वो इस वाटर का जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है Na पॉजिटिव और ये प्लस OH नेगेटिव, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये आपका फॉर्मेशन कर लेगा आपका जो कॉस्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ से क्या किया जाता है कि जो ब्राइन जो आपका कंटेनिंग जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन होगा उसमें आपको NaOH देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप बोल सकते हो कि जो है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको ये क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन होगी, और ये हाइड्रोजन ये कहाँ से आया, तो हाइड्रोजन आपका ये वाटर वाला, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो हाइड्रोजन जो है वो इसके बोल सकते हो कि इस इलेक्ट्रोड की तरफ जो है आपका ये अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और आपको NaOH का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये ब्राइन जो आपका सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा उसमें आपको NaOH देखने को मिलेगा। क्लियर, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। कौन कौन सी पॉइंट्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको याद रखना है, तो आइए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसे हम किस लिए कहते हैं, आपसे पूछ लिया जाए क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है किस पर्टिकुलर कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, NaOH होगा, कॉस्टिक सोडा होगा। क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हो। तो ये बेसिकली आपका जो है ये क्लोर जो होता है बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है क्लोरीन के लिए, और एल्कली वर्ड यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली सोडियम क्लोराइड का क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा उसे हम ब्राइन कहेंगे, और ब्राइन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे, जिस इट मींस उसका क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इट मींस सोडियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। और क्लोरीन गैस आपको कहां पे ऑप्टेन होगा, एनोड पे, कभी नहीं भूलना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है बेसिकली आपका ये कैथोड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपका इसका फॉर्मेशन कहां देखने को मिलता है, नियर द कैथोड, ये कैथोड के आसपास आपको ये नजर आएगा। क्लियर, आई होप आपको इसका प्रिपरेशन मेथड समझ में आया होगा। ये पर्टिकुलर आपका जो है रिएक्शन है NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन हुआ, ये वाटर बोल सकते हैं दोनों को मिलाकर क्या ब्राइन कहोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NaCl, और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस NaOH आपका फॉर्मेशन देखने को मिला, क्लोरीन गैस उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये आपको जो है देखने को मिला एनोड पे और ये हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसके यूजेस क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, या फिर कॉस्टिक सोडा बोल सकते हो। तो ये जो भी सॉप्स जो होते हैं, साबुन होते हैं या फिर आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका सेकंड यूज बोल सकते हो कि जो भी आपके फाइबर्स जो होते हैं, रेयन की भी प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। रेयन बेसिकली आपका जो सेमी सिंथेटिक आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका एक फाइबर होता है, सेमी सिंथेटिक, ना ही पूरा आर्टिफिशियल होता है और ना ही पूरा आपका जो है बोल सकते हैं नेचुरल होता है, ये सेमी सिंथेटिक होता है। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका जो रेयन के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज जो है मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के मैन्युफैक्चर में भी बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ जो भी आपका बॉक्साइट ओर जो होता है ना,
बॉक्साइट ओर क्या होता है, बॉक्साइट ओर बेसिकली जो है आपका जो है ये एल्युमिनियम का ओर होता है, एल्युमिनियम का ओर होता है, क्लियर। तो इसके बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन में भी जो है बेसिकली इसका यूज किया जाता है, और ये आपका एल्युमिनियम मेटल से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिस किसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब आप बॉक्साइट को जो है प्यूरिफाई करोगे तो उसमें से आपको क्या ऑब्टेन होगा, एल्युमिनियम मेटल ऑब्टेन होगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी वीडियो की लेंथ लंबी होती है, लेकिन मैं बहुत कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके 20 मिनट्स की वीडियो हो गई केवल एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में, कोई नहीं, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, आपका जो कॉन्टेंट है वो बिल्कुल बेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड आप कॉन्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर जो आपका नेशनल इनकम का नहीं है, नेशनल इनकम। तो एक आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, यस, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, सारे के सारे आपके जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लियर। और ये लार्ज बोल सकते हैं कि सोसाइटी पे लार्ज इंपैक्ट डालते हैं, आपका नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारे के सारे आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं। और ये एक प्रकार का जो फ्लो कॉन्सेप्ट है, यस, ये एक प्रकार का फ्लो ही कॉन्सेप्ट है। तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है। ये हमेशा बोल सकते हैं इसको एक्सप्रेस करते हैं किसके साथ, रेफरेंस के साथ, फाइनेंशियल ईयर, यस, इसको जो है प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं नेशनल इनकम को। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। इट मीन्स बचा एक आपका, ये वही आपसे पूछा था, नॉट अ फीचर, इट मीन्स इनकरेक्ट, ये आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। यह आपका केवल और केवल इंक्लूड नहीं करता है आपके जो है इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये बेसिकली जो है आपका इनकर, केवल जहां पे वर्ड आपको देखने को मिला उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए आपके एग्जाम हॉल में, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट आपका जो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और 1, 2, 3 आपका करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए, ये जो आपका नेशनल इनकम जो होता है ना कंट्री, इट मीन सम, टोटल सम होता है इनकम्स का, जो आपके अर्न किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, आपका जो है कंट्री के जो बोल सकते हो कि पूरे जो है एक ओवर ईयर के, ओवर और ईयर एक साल में जो भी आपका इनकम जो होता है, जो भी अर्न किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, वही है टोटल इनकम्स आपका जो नेशनल इनकम के, उसे हम बेसिकली नेशनल इनकम्स के नाम से जानते हैं, क्लियर। और ये बेसिकली नेशनल इनकम जो होता है, ना ही केवल आप पूरे के पूरा आपका जो ऑल इनकम्स जो अर्न किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, ये ही नहीं होता है केवल, उसके साथ साथ आपको लेकिन क्या होता है कि वो उन सारे इनकम्स को भी जो है इकट्ठा किया जाता है, जो आपका पार्टिसिपेशन हुआ है, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको भी क्या किया जाता है कि उसमें बेसिकली नेशनल इनकम में इसको ऐड किया जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा आपको फॉर्मूला यहाँ पे जो है मेंशन है, y=c + i + g + x - m, ये आपका जो है नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वाई आपका जो नेशनल इनकम हो गया, तो ये आपको नहीं भूलना है, y=2 नेशनल इनकम, सी आपका जो होगा पर्सनल कंजप्शन, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और ये आपका जो आई क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ये जी आपका जो गवर्नमेंट आपका जो स्पेंडिंग, और ये एक्स क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपका एक्स क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स, और ये आपका जो एम क्या होगा, इंपोर्ट्स हो जाएगा। तो ये एक प्यारा सा इक्वेशन है जो आप नेशनल इनकम से रिलेटेड आप बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का जो है मतलब आप याद रखेंगे, और उसके साथ साथ जो इस इक्वेशन को भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, क्लियर। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको बताना था चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR, तो बेसिकली कितना होता है, बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो को आपको ध्यान में रखना है, इसमें बेसिकली 0 to 6 ईयर की जो फीमेल जो है इसको काउंट किया जाता है 1000 मेल्स पे, क्लियर। तो ये बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो के नाम से जानते, कितना था बेसिकली 918 था, लेकिन 918 बेसिकली जो है ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आप बोल सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपका 919 होगा, आपका जो अकॉर्डिंग टू SSC भी इसको कंसीडर करी थी 919, क्लियर। इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली जो है 2001 में कितना था CSR आपका जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, आपका जो है 927 था, क्लियर, 927, और ये 2011 में हमें देखने को मिला कितना 918, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भरतनाट्यम और उसके साथ साथ कुचिपुड़ी, ये दोनों ही आपके क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम बोल सकते हैं तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, और दोनों ही बोल सकते हैं एक्सपोनेंट डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनको अवार्ड दिया गया था, अवार्डेड बेसिकली जो है अवार्ड दिया गया था 2016 में, जो कौन सा अवार्ड दिया गया था ये आपको बताना था, पद्म भूषण या आपका पद्मश्री या फिर जो है टैगोर पुरस्कार या फिर पद्म विभूषण। तो ये आपका जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, पद्म विभूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया था, भारत रत्न के बाद से आपको देखने को मिलेगा पद्म विभूषण, उसके बाद से पद्म भूषण,
और उसके बाद से आपको जो है पद्मश्री देखने को मिला, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्लियर। और ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इनके बारे में जो है, आपके जो है यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में जो है, आपके भारत नाट्यम के साथ साथ ये दोनों ही बोल सकते हैं कि कुचिपुड़ी के दोनों ही क्लासिकल डांस से इनका जो है वो संबंध था, क्लियर। और इनको जो है बोल सकते हैं कि पद्म श्री जो है 1968 में दिया गया था, और ये पद्म भूषण 2001 में दिया गया था, और ये पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था। तीनों ही अवार्ड इनको दिया जा चुका है, और ये आपके जो है हाईएस्ट बोल सकते हैं सिविलियन अवार्ड होता है आपका जो है, सेकंड नंबर पे जस्ट मैं आपसे डिस्कस किया, आपके थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे आप ऐसे याद रखेंगे, क्लियर। और उनको जो ऑनर दिया गया है बोल सकते हैं कि आपके नाट्य शास्त्र के द्वारा जो है, बेसिकली नाट्य शास्त्र के द्वारा उनको जो है नाट्य शास्त्र अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा जो है, श्याम भवी बोल सकते हैं, शाम भवी स्कूल ऑफ डांस, ये आपका जो है नयिका, और ये एक्सीलेंस ये आपका जो है पर्सोनिफाइड के द्वारा जो है उनको बेसिकली जो है आपके वुमेन्स डे के बोल सकते हैं कि अकेजन पे उनको जो है वो अवार्ड दिया गया था, नाट्य शास्त्र अवार्ड, क्लियर। तो उनको काफी अवार्ड दिया जा चुका है, आप ये बोल सकते हैं कि एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम यहाँ पे मेंशन है। तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में याद रखना है, दोनों इससे ही इनका रिलेशन है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया था, बेसिकली आप बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस पूछा गया था बेसिकली जो इसका सोर्स क्या था। तो आपके जो बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो हड़प्पन सिटीज जो है बेसिकली पार्ट ऑफ जो आपका वेस्ट में था, जो आपका स्मॉल था और ये कुछ ऊंचाई पे था, तो उसे हम किसके नाम से जानते थे, उसे हम एक पर्टिकुलर टर्म के नाम से जानते थे, उसका टर्म क्या था आपका, सिटेडल या फिर ओलंपस या फिर लोअर टाउन या फिर कोलोजियम। तो बेसिकली क्या था आपका जो है वो सिटेडल के नाम से जाना जाता था, आपका ये फर्स्ट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और ये बेसिकली जो मोस्ट आपके हड़प्पन सेटलमेंट आप देख रहे हैं, सीधे सीधे लाइन आपसे पूछा गया कि मोस्ट आपका जो हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव अ स्मॉल वेस्टर्न पार्ट एंड अ लार्ज लोअर ईस्टर्न सेक्शन, और ये आपका जो है वेरिएशन को शो कर रहा था, जैसे कि ये पर्टिकुलर साइट्स में हमें ये पर्टिकुलर जो है बोल सकते हैं कि हमें ये सिटाडेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बेसिकली धौलावीरा और ये लोथल दोनों ही आपका गुजरात का इंपॉर्टेंट आपका जो है ये हड़प्पन साइट बोल सकते हैं, और ये बेसिकली जो है ये जो इंटायर सेटलमेंट था बेसिकली जो है वो फोर्टिफाइड था, और ये उसके साथ साथ जो है इसमें सेक्शंस भी देखने को मिला था, और ये आपका जो है इसके जो टाउन्स होते थे वो आपके जो वॉल के द्वारा सेपरेशन इसमें देखने को मिलता था, क्लियर। और ये आपका सिटाडेल जो है विदाउट लोथल, विद इन लोथल, जो सिटाडेल था लोथल के अंदर बेसिकली जो आपका इसमें वॉल नहीं था, वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ, क्लियर। और ये लेकिन आपका जो है ये हाइट पे बना हुआ था सिटाडेल, तो क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिटाडेल से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का इमेज भी इंसर्ट किया हूँ जो आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं डिस्कस किया था, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनसीईआरटी कितना मस्ट है, आपका चैप्टर का नाम यहाँ पे मैं मेंशन है बता दूं आपको जो है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ये बेसिकली जब आप चैप्टर पढ़ोगे ये बेसिकली आपका जो है चैप्टर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये प्यारा सा इमेज देखने को मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी मस्ट है, आप चाह कर भी एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर आप एनसीईआरटी इग्नोर करोगे तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा खासा है इस सीजीएल के एग्जाम्स में, तो आप अपना अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना एनसीईआरटी को ना पढ़ने के, आप ऐसा बोल सकते कि वो बराबर ही है, क्लियर। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको सोर्स बताता चल रहा हूँ, आपकी इच्छा, मेरा काम है बताना और आपको है फॉलो करे या फिर ना करे, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नवंबर 2022 में बेसिकली जो है आपके राज शुक्ला को अपॉइंट किया गया था, क्लियर। मेंबर ऑफ व्हाट, किसके मेंबर वो अपॉइंट किए गए थे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो याद रखिए ये आपके जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी के चेयरमैन इनको जो है बोल सकते हैं कि जो है मेंबर, नॉट चेयरमैन, मेंबर जो इनको अपॉइंट किया गया था, क्लियर। ये आपके जो है बोल सकते हैं कि राज शुक्ला, क्लियर। और ये आपको याद रखना है कि तीन आपके जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आपके सर्विस होते हैं, जैसे कि आपका जो है यूपीएससी के थ्रू बेसिकली तीन पोस्ट पे एक आपके हाईएस्ट पोस्ट बोल सकते हैं आईएएस, और उसके साथ साथ ये आपके जो है आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये इंडियन पुलिस सर्विस आपका आईपीएस, ये आपके जो है सेंट्रल सर्विस होता है ग्रुप ए एंड बी के, क्लियर। तो यूपीएससी क्या करते हैं कि इन तीनों ही एग्जाम्स की जो बोल सकते हैं और सारे भी एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाते हैं, लाइक आपका सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, और ये यूपीएससी एक इसका एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं कि जो है
इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के थ्रू जो है आईएएस और उसके साथ साथ आईएफएस और उसके साथ साथ आईपीएस हमारे देश में क्या किया जाते हैं, सिलेक्ट किया जाते हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, वो आपको याद रखना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जून 2022 में बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया था कि जो भी आपका जो प्रत्येक जो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, नेशनल पार्क हो गया और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उसमें क्या होगा कि बेसिकली कंट्री में आपके क्रॉस कंट्री में जो हमें देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क, ये बेसिकली उसमें मैंडेटरी होगा एक इको सेंसिटिव जोन, और जिसका बेसिकली जो है वो आपका बाउंड्री जो है कम से कम उसकी बाउंड्री कितना होगा इको सेंसिटिव जोन का। तो जो ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो आपका स्टार्टिंग होगा फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज से। क्लियर। तो ये बेसिकली 1 किलोमीटर होगा या फिर 3 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर, तो याद रखिए वो आपका जो है 1 किलोमीटर होगा इको सेंसिटिव जोन का। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मिनिमम कितना होगा, इको सेंसिटिव जोन बेसिकली आपका जो है 1 किलोमीटर होगा, और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 और ये 16 के अकॉर्डिंग जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको जो है बेसिकली वो कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली आपका इकोनॉमिक ये आपका जो इको जोन था बेसिकली जो है 10 किलोमीटर था। क्लियर। 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको फ्रेजाइल आपका जोन हुआ करता था, जिसे हम इको सेंसिटिव जोन भी कहते थे, और ये आपका जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बेसिकली ये रूल्स जो आपके ये फॉलो किए जाते थे। तो ये आपके पहले के प्लान थे, लेकिन इसमें क्या किया गया था, कुछ बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इको सेंसिटिव जोन को मिनिमम कितना कर दिया गया है, बोल सकते हैं कि आपका जो है 1 किलोमीटर। तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर 10 किलोमीटर ना दे करके जो है 1 किलोमीटर आप देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इको सेंसिटिव जो एक्टिविटीज जो होती है वो आपकी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या क्या आप नहीं कर सकते हो, जो आपके इको सेंसिटिव जोन के बोल सकते हो कि अराउंड, तो कमर्शियल माइनिंग आप नहीं कर सकते हो, सॉ मिल्स नहीं कर सकते हो, इंडस्ट्रीज आपका जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है एयर वाटर सॉइल नॉइज, ये आपको जो है वहां पे एस्टेब्लिशमेंट आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका जो है मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया, कमर्शियल यूज आपका वुड्स हो गया, आप नहीं कर सकते हो, ये आपके प्रोहिबिटेड आपका एक्टिविटीज है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज क्या है आपका, फिलिंग ऑफ ट्रीज, ट्रिंग जो भी आपके पेड़ है उसकी फिलिंग आप कर सकते हो, एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो होटल्स, और उसके साथ साथ आप जो है रिसोर्ट्स कॉमर्शियल यूज आप बोल सकते हो, नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, ड्रास्टिक चेंजेस ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम लाइक आप एडॉप्टेशन ऑफ द हैबिट टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स एंड वाइडनिंग ऑफ द रोड्स। क्लियर। तो ये आपके रेगुलेटेड एक्टिविटीज है, और ये आप कर सकते हो कि इसको इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा, आपको ये नहीं करना है कि वहां पे करना है, ये रेगुलेट कर सकते हो आप, रेगुलेटेड एक्टिविटीज है, और ये परमिटेड क्या क्या अलाउ है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन गोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए जा सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, यूज आप कर सकते हो, किसका यूज कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, और ये एडॉप्टेशन कर सकते हो ग्रीन टेक्नोलॉजी का, किसके लिए, सारे एक्टिविटीज के लिए। क्लियर। तो ये आपका परमिटेड एक्टिविटीज होता है आपके जो एक्टिव जो भी आपके इको सेंसिटिव जोन के चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछा गया था ये जो आपका डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस जो होता है उसका रेट के बारे में कुछ पूछा गया था। जब हम क्या करते हैं कि जब आपका डेट्राइटस जब आपका उसमें रीच होता है लिग्निन का और उसके साथ साथ काइटिन का, इस क्वेश्चन का भी मैं सोर्स बताऊंगा, और डायरेक्टली आप ये पाएंगे कि उस पर्टिकुलर लाइन से जो एनसीईआरटी की लाइन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था एग्जामिनर के द्वारा। तो ये बेसिकली जो है क्या आपका जो हैपेंस होता है डिकम्पोजिशन का जो रेट जो होता है वो क्या को देखने को मिलेगा, जब आपका डेट्राइटस में आपको जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा लिग्निन और उसके साथ साथ ये काइटिन। लिग्निन और ये काइटिन क्या होता है, काइटिन बेसिकली आपका जो है ये पॉलीसेक्राइड होता है। क्लियर। और लिग्निन के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं, जब मैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। क्लियर। प्रीवियस ईयर को जब आप फॉलो करते आए रहेंगे प्रीवियस लेक्चर को मेरे, तो आपको लिग्निन के बारे में आइडिया भी होगा। तो ये बेसिकली जो है इसका रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेग्लिजिबल होगा या फिर फास्टर होगा या फिर कोई मूवमेंट ही देखने को नहीं मिलेगा या फिर स्लो हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, बेसिकली स्लो हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सोर्स के बारे में पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो आपका डिकम्पोजिशन जो आपका लार्जली आपका ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, बेसिकली उसमें बोल सकते हैं कि जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके वो कन्वर्ट होते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली रेट जो होता है डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, और ये पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट, यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन।
समझ में आया ना, डिकम्पोजिशन की रेट जो होगी वो स्लो हो जाएगी जब डिट्राइटस में आपकी बोल सकते हैं कि जो रिच होगी किसमें, लिग्निन में और काइटिन में। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि आपका वही स्टेटमेंट था, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैं सोर्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, और ये चैप्टर नेम चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्लियर। और ये बेसिकली आपका जो है थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन के बारे में आप याद रखेंगे कि जो आपका डिकम्पोजिशन जो होता है ना, ये जो भी आपके डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में, और इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन सा डिकम्पोजिशन का स्टेप्स नहीं है, आपको नहीं बोलना है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अगर आप वीडियो को फॉलो करते आ रहे होंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको स्टेप्स नहीं बोलना है डिकम्पोजिशन के, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। और ये भी पॉइंट आपको जो इसी पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेगा, बोल सकते हैं कि आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है इकोसिस्टम, क्लियर। रानी कर्णा नायक जिनको अवार्ड दिया गया था पद्मश्री 2014 में, ये किसके एक्सपोनेंट है, ओडिशी, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर कथकली। तो याद रखिए कथक के एक्सपोनेंट है, ओडिशी ओडिशा में हमें देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम, और उसके साथ साथ कथकली ये भी आपका जो है क्लासिकल डांस है, ये हमें केरल स्टेट में देखने को मिलता है। और ये कथक जो है नॉर्थ यूपी का क्लासिकल डांस है, नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया अगर आपका ऑप्शन में नॉर्थ इंडिया नहीं तो आप यूपी मार्क कर सकते हो, क्लियर, अगर यूपी आपके ऑप्शन में है तो। तो ये बेसिकली जो है किसके एक्सपोनेंट थी, रानी कर्णा नायक आपके जो है कथक के एक्सपोनेंट थी, क्लियर। आप यहाँ पे इनका इमेज भी देख सकते हैं, इनको जो है अवार्ड दिया गया था 2014 में जो है पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैडमिंटन गेम से रिलेटेड, ये जो है बैडमिंटन प्लेयर को बेसिकली क्या किया जाता है कि जो है ब्लैक कार्ड जो होता है उनको प्रोवाइड किया जाता है गेम के दौरान, इसका मीनिंग क्या होता है, सस्पेंशन संदेह में दिया जाता है, या फिर फॉल्ट कोई गलती होती है तब दिया जाता है ब्लैक कार्ड, या फिर जो है वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, या फिर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ब्लैक कार्ड मिल गया अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो आपके गेम के दौरान तो आप क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो चुके, तो ऐसा कुछ ब्लैक कार्ड दिया जाता है, क्लियर। तो ब्लैक कार्ड जो बैडमिंटन मींस क्या हो गया कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये आपको जो है याद रखना है कि बी फॉर बैडमिंटन, बी फॉर ब्लैक, और उसके बाद आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बेसिकली जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, नीति आयोग के न्यू वाइस चेयरमैन मई 2022 में, क्लियर, एस सोमनाथ, सुमन बैरी या फिर तरुण कपूर या फिर मनोज पांडे। तो याद रखिए सुमन बैरी को अपॉइंट किया गया था जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इन मई 2022। नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर। और ये बेसिकली आपका थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में, किसके द्वारा, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, किसको रिप्लेस करके जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये टॉप डाउन मॉडल होता है, टॉप बॉटम अप्रोच बोल सकते हैं या फिर टॉप डाउन मॉडल पे आपका ये वर्क करता है आपका जो है नीति आयोग, क्लियर। और ये इसमें बोल सकते हैं नीति आयोग में कि आपके जो काउंसिल जो होते हैं किससे मिलकर के बना होता है, ऑल द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और उसके साथ साथ पुदुचेरी, एलटी बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज यूटी, और उसके साथ साथ जो वाइस चेयरमैन बोल सकते हैं कि नॉमिनेटेड किया जाता है किसके द्वारा, जो है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें प्रेजेंट में क्या है, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरमैन आप देख सकते हैं ये मैं करंट डाटा बता रहा हूँ, ये आपके जो है वो सुमन बैरी अभी भी है, अभी वही है आपके जो सुमन बैरी वाइस चेयरमैन है, क्लियर, नीति आयोग के। और सीईओ कौन है आपके जो है, ये आपके जो है बी वीवीआर बोल सकते हैं कि आपके जो सुब्रमण्यम जी, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आप याद रख सकते हैं, ये टाइम टू टाइम बेसिकली डाटा बदलता भी रहता है, कोई फिक्स नहीं, लेकिन प्रेजेंट डाटा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यही डाटा मुझे साइट पे मिला है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली जो है मेनी रागास मेलोडीज बोल सकते हैं कि हिंदुस्तानी म्यूजिक, किसको जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में से जो है वो जाना जाता है, तानसेन, राजा बीरबल या फिर टोडरमल या फिर राजा मानसिंह। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके जब भी राग की बात होती है तो तानसेन को याद किया जाता है, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और ये अकबर के 9 रत्न है,
नवरत्नों से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और तानसेन बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट आपके अकबर के बोल सकते हैं कि सिंगर थे और एक नवरत्नों में से एक थे। क्लियर। अबुल फजल जो बेसिकली जो है अकबर के चीफ एडवाइजर्स थे और ये ऑथर माने जाते हैं किसके, अकबर नामा की रचना इन्होंने करी थी। फैजी बोल सकते हैं कि आपके अकबर के पोएट थे, आप ऐसे याद रखेंगे। और ये आपके तानसेन सिंगर बोल सकते हैं ये। उसके बाद से बिरबल आपके जो है नोबल नोन फॉर विटनेस, बहुत बुद्धिमान और चालाक थे आपके बिरबल। और ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अकबर के फॉरेन मिनिस्टर थे आपके बिरबल। टोडरमल से आपके क्या थे, टोडरमल आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये राजा मानसिंह बोल सकते हैं कि आपके जो है चीफ ऑफ स्टाफ अकबर, जो भी मुगल आर्मी थी ना उसके जो है ट्रस्टेड आपके जनरल आपके अकबर के हुआ करते थे आपके जो राजा मानसिंह। तो चीफ ऑफ स्टाफ बोल सकते हैं कि अकबर के मुगल आर्मी के आपके जो है वो कौन थे, राजा मानसिंह थे। और ये अब्दुल रहीम खाने खाना ये आपके क्या थे, तो रिनाउंड पोएट थे। आप जो है बचपन में इनके जो है रहीम के दोहे आपने सुना होगा, तो वही आपके जो है रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ये आपके और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये बोल सकते हैं कि आपके जो है वो आपके क्या थे, एक रिनाउंड पोएट थे। क्लियर। और ये आपके फकीर अजीउद्दीन क्या थे, आपके जो रिलीजियस मिनिस्टर ऑफ अकबर, अकबर के बोल सकते हैं रिलीजियस मिनिस्टर थे आपके। और ये मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा क्या थे, होम मिनिस्टर ऑफ अकबर थे। तो कभी आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर का मूड अगर खिसकता है तो आपके जो है नवरत्नों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रेक्वेंटली पूछा जाता है। क्लियर। और ये आपके जो है तानसेन के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। तानसेन आपके जो है ये जो है संगीत सम्राट के नाम से फेमस, आप ऐसा बोल सकते हैं, मियाँ भी बोलते हैं मियाँ तानसेन। और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन थे आपके जो है ये तानसेन। और ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे रागास को इन्होंने क्रिएट किया है आपके जो है अकबर। और अकबर के दरबार में कब ये पहुंचे थे, 1556 में गए थे। क्लियर। और ये तब तक बने रहे जब तक उनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ बेसिकली 1585 में हुई थी। क्लियर। और ये उन्होंने कंपोज करी थी बहुत सारे रागास को। और ये तानसेन का जो टॉम्ब आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे म्यूजिशियन का पिलग्रिमेज माना जाता है। क्लियर। ग्वालियर को नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्नाकुलर प्लेस एक्ट के बारे में, इसको इनेक्ट किया गया था किस ईयर में, इनेक्ट किया गया था ईयर क्या आपसे पूछा गया है। ये बेसिकली वर्नाकुलर प्लेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा बेसिकली लाया गया था। और रिपन के द्वारा जो इसको क्या किया गया था कि जो है इसको कैंसिल किया गया था, इसको समाप्त किया गया था। तो लाने वाले लिटन थे और बोल सकते हैं कि जो है इसको समाप्त करने वाले लॉर्ड रिपन थे। कब ये बेसिकली जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो इसको इनेक्ट किया गया था, किस ईयर में, 1878 में किया गया था। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने पास करी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये प्रिवेंट करता था बेसिकली जो है जो भी आपके न्यूज़पेपर जो आपका प्रिंटिंग होता था ना, जिसमें आपका सेडिशस बोल सकते हैं मटेरियल, आप जो है ऐसा कुछ कंटेंट नहीं छाप सकते थे जो आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ हो। क्लियर। तो ये बेसिकली उस पर पाबंदी लगाई गई थी। और उसी समय जो है बेसिकली आपका आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 भी आया था, और ये आपके एग्जाम्स में एसएससी के इसी प्रीवियस बोल सकते हैं इसी ईयर जो है नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्म्स एक्ट कब आया था, तो कब आया था, 1878 में आया था। क्लियर। और ये बेसिकली जो है आर्म्स एक्ट जो है बेसिकली क्या करता था कि प्रोहिबिट करता था इंडियन सिटीजन्स को कि आप क्या कर सकते हो, कि आप आर्म्स या फिर वेपन्स नहीं रख सकते हो बिना लाइसेंस के। लेकिन ये जो केवल के और केवल जो है अप्लीकेबल था इंडियंस के लिए, ये आपके ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था आपका आर्म्स एक्ट, क्योंकि आप ब्रिटिशर्स बिना लाइसेंस को क्या रख सकते थे, आपके जो है वो वेपन्स रख सकते थे, लेकिन इंडियन को लिए जो है वो लाइसेंस क्या था, कंपलसरी था जब आप वेपन रखते हो। तो ये बेसिकली आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 के द्वारा जो है पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहा गया था, और ये प्रोहिबिट करता था इंडियन सिटीजन्स को वेपन विदाउट लाइसेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना है कि जो इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर नहीं है। अगर आपके मेटल के बारे में आइडिया होगा तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे, हार्ड रबर, कॉपर, सिल्वर और या फिर निकल। तो ये बेसिकली ये आपके कॉपर जो होते हैं आपके जो है बोल सकते हैं क्यूप्रम होता है, और ये क्यूप्रम आपका जो लैटिन नेम होता है, और ये मेटल है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर एजी होता है, एजी अर्जेंटम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। और निकल क्या होता है, निकल आपका 28 होता है, कोबाल्ट 27 होता है, और ये निकल 28 और कॉपर 29 और जिंक आपका 30 होता है। एटॉमिक नंबर भी कभी कभी आपके ध्यान से पूछा जाता है। तो इसमें से बेसिकली आपका जो है ये तो मेटल हो गया, ये भी मेटल, और निकल क्या है, निकल मेटल है कि नॉन मेटल है, ये भी आपका मेटल। डी ब्लॉक में आपके ये सारे मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक में। क्लियर। और ये आपके जो है तीनों के तीनों आपके मेटल है, इट मीन्स मेटल आपके कंडक्टर होते हैं, और ये कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तो हार्ड रबर नहीं होगा, हार्ड रबर क्या होगा कि आपका ये इंसुलेटर होता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज होते हैं कंडक्टर्स में जो आपका अलाउ करती है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आपको डिफाइन कर सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और ये कंडक्टिविटी उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्लियर। और ये वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज के बारे में आप याद रखें कि जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की ना कंडक्टर में, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मान लीजिए कि आपका ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इसी फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो फोर्स जो होता है बेसिकली रिक्वायर होता है जो करंट के फ्लो, मान लीजिए कि कोई चीज फ्लो कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फोर्स जो होता है ना इसको फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, उसे हम बेसिकली जो है कंडक्टर का हम वोल्टेज कहते हैं। ग्रेफाइट हो गया, ये बेसिकली ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट आपका जो है एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का, कार्बन के तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स बेसिकली पूछा जाता है, ग्रेफाइट फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर पे आपका डायमंड, थर्ड नंबर पे बकमिंस्टर फ्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, बकमिंस्टर फ्लोरीन को हम C60 भी कहते हैं। और तीनों आइसोटोप आपके जो है, तीनों आपके एलोट्रॉप्स, ना कि आइसोटोप। एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स में डिफरेंस होता है, कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र भी करूंगा आइसोटोप्स और आपके एलोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आपको याद रखना है। और ये ग्रेफाइट हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, अर्थ हो गया, और उसके साथ साथ ये आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्लियर। आपको करंट लगता है ना, इट मीन्स आप गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसे आप कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में होता है। और ये आपके कॉपर, आयरन, उसके साथ साथ गोल्ड, आपके जो है मेटल्स आपके जो एग्जांपल होते हैं गुड कंडक्टर्स के, क्लियर। आई होप आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई कंडक्टर्स को लेकर के। आर्टिकल 19 से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये प्रोवाइड करवाता है कितने टाइप्स के फ्रीडम, 13 या फिर जो है 44 या फिर 30 या फिर 6, कितने टाइप्स के जो है आपके बोल सकते हैं कि इसमें जो है फ्रीडम्स इंक्लूड किए गए आर्टिकल 19 में, तो 6 टाइप के, ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। आप यहाँ पे रीड कीजिए, यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 19(1) में बेसिकली जो है आपके जो है 1949 के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि सारे सिटीजन्स को जो है ये आपके 6 राइट्स यहाँ पे बेसिकली फ्रीडम दिया जाता है। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये एक्सप्रेशन आपका आर्टिकल 19 में मेंशन है, लेकिन ये 6 टाइप के फ्रीडम है, क्लियर। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट हो गया, आप असेंबल कर सकते हो पीसफुली बिना किसी आर्म्स के। थर्ड आपका जो है बोल सकते हैं कि एसोसिएशन या फिर जो यूनियंस का एसोसिएशन आप कर सकते हो, उसका फॉर्मेशन कर सकते हो या फिर मूव कर सकते हो। फोर्थ आपका जो आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये राइट दिया गया है, क्या राइट दिया गया कि आप फ्रीली क्या कर सकते हो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में बिल्कुल क्या कर सकते हो कि आप मूव कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, क्लियर। और रेसाइड कर सकते हो और सेटल भी हो सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में। और लास्ट है बेसिकली आपका ये प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी प्रोफेशन आप जो है, या फिर कैरी कर सकते हो कोई भी ऑक्यूपेशन, कहीं भी ट्रेड एंड बिजनेस, कहीं भी ट्रेड एंड बिजनेस आप पूरे ऑल ओवर द इंडिया कर सकते हो, क्लियर। तो ये आपके जो 6 आपके राइट जो है बेसिकली आपको ये दिया गया आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चोला डायनेस्टीज के बारे में, क्लियर। तो आपको बेसिकली जो है उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम बताना था जिन्होंने क्या करी थी कि जो है वो बेसिकली जो है एंशियंट सी फैमिली, चोला फैमिली से बेसिकली, उरायूर से बेसिकली वो बिलोंग रखते थे, क्लियर। और उन्होंने कैप्चर करी थी कावेरी डेल्टा को, कहां से आपके जो है मुतरियार, और उसके साथ साथ जो जो आपका मिडिल में था बेसिकली आपका 9th century में, क्लियर। ये 9th century के मिडिल के पर्टिकुलर आपका ये बोल सकते हैं कि घटना है, क्लियर। तो बेसिकली उस फेमस पर्सनालिटी का क्या नाम था, ये आपका जो ऑप्शन में मेंशन है गंदार द्वितीय या फिर जो है आपका जो है विद्यालय, विद्यालय बहुत ही फेमस है आपका चोल डायनेस्टी के। और इन्होंने इन्हीं के द्वारा जो सारा जो है पर्टिकुलर आपका ये किया गया था, कैप्चर भी किया गया था कावेरी डेल्टा को, किससे आपके जो है मुतरियार से, क्लियर। 9th century के बोल सकते हैं मिडिल में, और ये आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप चोला डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, माइनर सिपली फैमिली जिसे हम मुतरियार कहते हैं, ये आपके जो है कावेरी डेल्टा के ऊपर बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि इनका इनका जो है वो पावर था, और कावेरी डेल्टा को बोल सकते हैं कि जो है क्या किया था, इनको कैप्चर करी थी किसने, विद्यालय ने, तो विद्यालय का नाम आप याद रखेंगे। और ये आपका जो है एनसीईआरटी का ये सोर्स से ही क्वेश्चन पूछा गया, आप यहाँ पे देखिए ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं साथ के साथ में सोर्स बताते चल रहा हूँ जिसके थ्रू आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। आप यहाँ पे देखिए आपको चोला डायनेस्टीज देखने को मिलेगा, क्लियर। ये मैप ही यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ जिसके अंदर साथ आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो, तंजावुर याद रख सकते हो, यहाँ पे मदुरै, यहाँ पे आपका पांड्यास, चोल चेर पांड्यास, ये आपके साउथ इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट आपके जो है वो डायनेस्टी हुआ करता था, क्लियर। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है बेसिकली जो है
ये पॉइंट पूछा जाता है, किसने जो निशुंभ सुदनी का जो मंदिर उन्होंने जो बनवाया था थंजावुर, और ये आपका शहर की भी स्थापना करी थी विद्यालय के द्वारा। तो विद्यालय का ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, थंजावुर शहर और ये आपका टेम्पल ऑफ द निशुंभ सुदनी का मंदिर। क्लियर, तो बहुत अच्छा ये पॉइंट है, आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको और एक पॉइंट बता दूं राज राजा के बारे में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, आपके पावरफुल चोला रूलर थे, इन्होंने जो है अपने राज्य की स्थापना करी थी 985 में, और एक्सपेंड करी थी कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज, लाइक इन्होंने रिकॉग्नाइज था एडमिनिस्ट्रेशन इनका जो है एम्पायर, इनका जो है बेसिकली बहुत बोल सकते हैं कि बोलबाला था। लेकिन इसके जो पुत्र हुए थे बोल सकते हैं राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने कंटिन्यू करी थी अपनी पॉलिसी, और इन्होंने जो है गंगा वैली और श्रीलंका और उसके साथ साथ जो है उसको साउथ ईस्ट एशिया, और उन्होंने डेवलप भी करी थी नेवी बोल सकते हैं कि इसके इस एक्सपेडिशंस के दौरान, इस कंपेन के दौरान आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपके जो उनके पुत्र थे राजेंद्र फर्स्ट, बहुत बोल सकते हैं कि ये जो है श्रीलंका पे आक्रमण के लिए जाने जाते हैं, गंगा वैली में आक्रमण के लिए जाने जाते हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। क्लियर, और ये बिग टेम्पल बोल सकते हैं थंजावुर में, और ये गंगई कोंड चोलापुरम जो है बेसिकली जो है ये बनवाए भी थे थंजावुर में जो है बिग टेम्पल। थंजावुर शहर की स्थापना तो विजयालय ने करी थी, लेकिन उसमें बिग टेम्पल थंजावुर में किसने बनवाया था, राजेंद्र फर्स्ट ने, और उसके साथ साथ जो है आपके सॉरी ये आपका जो है बिग टेम्पल थंजावुर और ये गंगई कोंडा चोलापुरम किसके द्वारा बनवाया गया था, आपका जो है राजा राज एंड राजेंद्र के द्वारा। क्लियर, और ये आपके जो आर्किटेक्चरल और ये स्कल्पचरल आप बोल सकते हैं कि मार्वल्स थे आपके जो है, इसके द्वारा बेसिकली इसको बनाया गया था गंगई कोंडा चोलापुरम और ये थंजावुर में बिग टेम्पल। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो चोला टेम्पल था ऑफेन बेसिकली बोल सकते न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स, जो आपका ग्रो होता था उसके चारों तरफ, न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट्स का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था चोला टेम्पल्स में। क्लियर, और ये इसके सेंटर्स में क्या होता था कि आपका जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये 16 में बेसिकली जो है ब्रॉन्ज के इमेज हमें ऑप्टेन हुए, ब्रॉन्ज के इमेज कांसे की मूर्ति की हमें ऑप्टेन हुए, और इसका बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमें मूर्ति था, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है, और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस था जो है चोला डायनेस्टी का जो है ब्रॉन्ज इमेज। क्लियर, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, बोलते बोलते थोड़ी सी जो है बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही, लेकिन कोई नहीं, अभी मुझे वीडियो को पॉज करना है, इट मीन्स हमें फिनिश करना है पूरे लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि सरोजिनी नायडू के बारे में, जो ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन आपकी प्रेसिडेंट बनी थी, और ये कहाँ पे आपका ये अधिवेशन हुआ था, पर्टिकुलर अधिवेशन आपको ये बताना है, कानपुर और ये अहमदाबाद या फिर दिल्ली या फिर नागपुर। तो याद रखिए कानपुर में बेसिकली आपका ये अधिवेशन हुआ था 1925 में हुआ था, ऑप्शन आपका करेक्ट फर्स्ट आपका जो है वो हो जाएगा। क्लियर, यहां पे देख सकते हैं 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपसे पूछा गया था, आपको बेसिकली ब्रांच बताना था गवर्नमेंट जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्प्लीमेंटेज लॉज को जो इम्प्लीमेंट करता है, और उसके साथ साथ पॉलिसीज जो आपके लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, उसके ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को आपको बताना है, वो कौन सी ब्रांच होती है गवर्नमेंट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज और उसके साथ साथ पॉलिसीज के लिए, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर जो है नीति आयोग। तो बहुत ही सिंपल है, कौन आपके जो इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया जाता है कि लॉ को फ्रेम किया जाता है, एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशियरी उसको क्या करता है कि रिव्यू करता है। तो ये एक मोटा से मोटा आइडिया आप तीनों के बारे में याद रखेंगे, और तीनों आपके जो है बोल सकते हैं कि 3 pillars ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, और 4th pillar जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसको माना जाता है, मीडिया को माना जाता है। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को, मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। PDF पाने के बाद से आप अपना खुद से भी कुछ, अपना सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ कंटेंट आप जो है अपने पास रखें, ऐसा नहीं कि मैं सारा का सारा पॉइंट मैं ही डिस्कस करूँ और केवल आप वीडियो को एंजॉय करें। क्लियर, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था फूड चैन के बारे में, और ये आपका बोल सकते हैं कि इकोलॉजी इकोसिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। फूड चैन जो आपका सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होता है, मैं अभी काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओमनीवोर्स होते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, या फिर हर्बीवोर्स, या फिर कार्निवोर्स, या फिर डिकम्पोजर्स। तो याद रखिए ये जो आपके सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना, आपके क्या हो जाएंगे, हर्बीवोर्स होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू आप समझिए ये आपके प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं कि आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे, जिनमें बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये जो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट में जो आपका ये डिपेंडेंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर, और ये प्राइमरी कंज्यूमर पे जो आपके डिपेंडेंट होंगे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो आपके डिपेंडेंट होंगे उसे बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपके जो प्रोड्यूसर्स जो आपके आपके क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होंगे प्लांट्स होंगे, और ये आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या होंगे, आपके हर्वी वोर होंगे। और इसी पर्टिकुलर एग्जाम में आपके डायग्राम से क्वेश्चंस पूछा गया था, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आपके क्या होंगे, हर्वी वोर्स होंगे। आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और ये आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो मांस खाते हैं। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल क्या होंगे, आपके टॉप कार्निवोर्स होते हैं। क्लियर, और यहाँ पे एग्जाम्पल से आपका जो है फाइटोप्लैंकटन हो गया, उसके बाद से ग्रास ट्रीज, ये आपके जो क्या होते हैं कि आपके वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। जू प्लैंकटन्स, ग्रास हॉपर और ये काउज आपके बोल सकते हैं कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल या फिर हर्बीवोर्स होते हैं। और ये आपके बर्ड, फिशेस, वुल्फ आपके जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये कार्निवोर्स होते हैं। और ये मैन लायन क्या होते हैं, आपके टॉप कंज्यूमर होते हैं, और बोल सकते हैं कि आपके जो है ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में इनको कैटेगराइज किया, और ये कार्निवोर्स होते हैं। ये तो बेसिकली मैन तो आपके ओमनीवोर्स होते हैं, क्योंकि ये हर्बीवोर्स के साथ साथ आपके जो है ये कार्निवोर्स भी होते हैं। तो इसको हम बेसिकली हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम बेसिकली ओमनीवोर्स कहते हैं, लेकिन लाइन आपका कैसा होता है, लाइन आपका कार्निवोर्स होता है। क्लियर, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्रॉप के बारे में, क्रॉप के बारे में बेसिकली आपको बताना था कि रवि सीजन में जो आपका नॉर्थ इंडिया में जो इसमें से कौन सी क्रॉप को जो बेसिकली आपका ये ग्रो किया जाता है, राइस, ज्वार, मेज या फिर बार्ली। तो बार्ली को बेसिकली जो है नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा रवि सीजन में, ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए खरीफ क्रॉप्स जो बेसिकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप्स जो है बेसिकली रेनी सीजन में इसको जो है ग्रो किया जाता है, और ऐसे क्रॉप को हम खरीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। बोल सकते हैं कि इंडिया में जनरली आपका रेनी सीजन जून टू सितंबर का होता है। पैडी हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये आपके सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। आप अच्छे से इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। रबी क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स बेसिकली जो इनको ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में, इनका जो सेशन जो होता है अक्टूबर टू आपका मार्च होता है, और ऐसे क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आपके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और ये लिंसिड। लिंसिड भी एक प्रकार का रबी क्रॉप होता है। उसके साथ साथ आपके पल्सेस जो हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनको ग्रो किया जाता है समर के सीजन में बहुत सारे प्लेस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, और यहाँ से आपके एग्जाम्स में फ्रेक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बेसिकली पार्टिसिपेट किए थे। आपको इस पर्टिकुलर इवेंट का नाम बताना है जो ऑर्गेनाइज किया गया था हैदराबाद में मई 2022 में। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, किसको मार्क करने के लिए 25 डे काउंटडाउन, जो बेसिकली आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रिस्पेक्ट में बेसिकली जो है वो पर्टिकुलर इवेंट जो है वो किया गया था। योगा सूत्र या फिर योगा उत्सव या फिर योगा महोत्सव या फिर योगा उमंग, तो याद रखिए आपका कौन सा इवेंट था, योगा उत्सव था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 25 डेज का काउंट था। किसके द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ जो है एक्टिव सपोर्ट आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का भी था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैंगो सोवर्स बेसिकली हमें कॉमनली देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल। तो केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है, ऑप्शन में केरल मेंशन है, तो इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। मैंगो सॉवर्स आपका जो प्री मानसून आपका सॉवर्स होता है, बरसात आप ऐसा बोल सकते हैं मानसून के आने से पहले, कॉमन हमें देखने को मिलता है कर्नाटक और केरल स्टेट में। और ये जो रेंज होता है यूजुअली आपको देखने को मिलेगा गर्मियों के सीजन के अंत में। क्लियर, गर्मियों के सीजन के अंत में। और ये जो रेंज बेसिकली हेल्प होता करता है किसमें, जो है मैंगोस को पकने में, राइपनिंग में आपका हेल्प करता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, मैंगो सावर्स, और इसलिए इसको बेसिकली जो है यूजुअली बोलते हैं मैंगो सावर्स। क्लियर, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिकली आपका जो हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स के बारे में, आपको ये बेसिकली बताना था कि जो फर्स्ट फेज जो है आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो यूज आपका जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उसको क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट किया गया था मोर एफ्लुएंट ऑफ द विच ग्रुप ऑफ स्टेट, ग्रुप ऑफ स्टेट्स के नाम आपको बताना था, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये आपका पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ये इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेट्स में क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्टेड था आपका जो है हाई यील्डिंग आपका जो है सीड फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्लियर,
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं प्रीवियस ईयर्स में डिस्कस भी किया हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्लियर? तो आप बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से लेकर के जो भी मैं आगे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ये आपका 19 लेक्चर है, 1 to 19 देखिए, फिर आप 20 पे शिफ्ट कीजिएगा। ऐसे नहीं कि बीच बीच में से देखना स्टार्ट किया तो फिर आपको मजा नहीं आने वाला है। क्लियर? आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आप कहाँ जाने वाले हैं, और हो सकता है कि आपके बीच में जो मैं कुछ ऐसा पॉइंट डिस्कस किया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वही तो आपकी आपका तो वहीं से भला होने वाला है ना। तो इसलिए आपको वीडियो को बहुत अच्छे से जो एंजॉय कीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो आपका रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मोर इन्फ्लुएंट स्टेट्स लाइक आपका जो ऐसा चाहे पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो ये आपके ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपका जो है सुनंदा नेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फेमस परफॉर्मिंग आपके जो है किस पर्टिकुलर डांस के ये एक्सपोनेंट है आपके जो है सुनंदा नायर। क्लियर? कथक, ओडिशी या फिर यक्षगान। यक्षगान कहाँ देखने को मिलता है? ये कर्नाटक में देखने को मिलता है यक्षगान। क्लियर? ये आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये फोक डांस होता है, ये आप क्लासिकल डांस नहीं होता है। मोहिनीअट्टम केरल में ये आपका इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। कथक भी नॉर्थ इंडिया या फिर यूपी में बोल सकते हैं, ओडिसी ओडिशा में ये भी क्लासिकल डांस है। तो ये आपके सुनंदा नायर जी थे आपके जो मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट थे, इसलिए इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते लीडिंग एक्सपोनेंट आपके मोहिनीअट्टम के आपके जिसमें ये सुनंदा नायर जी, डॉक्टर, उन्होंने पीएचडी करी है बोल सकते आपके जिसमें वो इस पर्टिकुलर संगीत में। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का जो है, फ्लैट टॉप टू टेबल जो होता है, टेबल लैंड जो होता है बेसिकली स्टैंडिंग होता है किसके ऊपर, सराउंडिंग एरिया के ऊपर, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? हिल बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं, वैली बोलते हैं। वैली तो होगा नहीं, वैली में क्या होते हैं, नदियां बहती हैं, घाटी में नदियां बहती हैं, माउंटेन तो बहुत ऊपर ऊपर होते हैं, और हिल से तो जो हाइट जो होती है वो माउंटेन की थोड़ी हिल की कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द माउंटेन। तो बचा क्या ऑप्शन, आपका प्लेट्यू ही बचा। ये आपका फ्लैट टॉप टेबल जो होता है, जो स्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा सराउंडिंग एरिया के चारों तरफ, आपका प्लेट्यू होता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेट्यू आपका एलिवेटेड, आपका फ्लैट एंड होता है। प्लेट्यू कैसा होगा, आपका फ्लैट एंड होगा, और ये आपका फ्लैट टॉप टेबल होता है, लैंड स्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगा सराउंडिंग एरिया में। और ये बेसिकली आपका जो है प्लेट्यू, कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे प्लेट्यूज का भी नाम भी मेंशन है, दक्कन प्लेट्यू इंडिया में देखने को मिलता है, उसके साथ साथ ये आपका जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू आपका दक्कन प्लेट्यू। क्लियर? जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, और ब्लैक सॉइल जो फेवरेबल होता है किसके लिए, कॉटन क्रॉप के लिए। और ये ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू भी, अफ्रीकन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, तिब्बतियन प्लेट्यू देखने को मिलेगा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, सारे के सारे आपके प्लेट्यू के एग्जाम्पल है। ये आपके जो हिल क्या होता है, हिल बेसिकली आपका जो है हाई एरिया होता है लैंड का, और ये आपका जो है, लेकिन ये आपका उतना ज्यादा हाइट इसकी ऊंचाई नहीं होती है जितना कि माउंटेन का होता है। इट मींस हिल की जो हाइट जो होती है माउंटेन से कम होती है। क्लियर? और ये माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन आपका एलिवेटेड पोर्शन होता है आपकी क्रस्ट का। जनरली आप बहुत सारे माउंटेन्स का नाम आपको अच्छे से पता भी होगा, हिमालय माउंटेन हो गया, उसके बाद से माउंट एवरेस्ट हो गया, तो बहुत सारे माउंटेन्स है। क्लियर? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है आपका ये इंपॉर्टेंट वैली के बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है, इसको आप रीड कर सकते हो, जहाँ पे आपकी नदियां बहती हैं, रनिंग बिटवीन द हिल्स आर माउंटेन्स। क्लियर? और ये आपको देखने को मिलेगा हिल्स और माउंटेन के बीच में वैली, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपको जो है नदियां और उसकी धाराएं बहती हुई नजर आएगी। क्लियर? इसी के साथ आपका जो है ये पर्टिकुलर सेट जो एग्जाम्स में पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो भी 25 क्वेश्चंस पूछा गया था, इस पर्टिकुलर डे में 6 दिसंबर 2022 के दिन मैं काफी डिटेल में एक एक क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आपके एग्जाम्स के लिए ऑथेंटिक वीडियो आप बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, लाइक करके डिसलाइक करके अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 20 के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।